you guys, welcome or welcome back to my channel. It's me Rajita and you're watching That Glam Girl Rajita. So guys, if you're new to my channel, do consider subscribing, like my video, share my videos and hit the bell icon so that whenever I upload the video, you get notified and you can watch my video. So guys, let's quickly straight dive into the video. फटाफट से आप मुझे बताओ कि अगर बॉडी हेयर रिमूवल की बात आती है तो आपके लिए बेस्ट मेथड क्या है? देखो, बेस्ट मेथड हो, बेस्ट प्रोडक्ट हो, मार्केट में ना इतनी सारी चीजें मिलती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि आपको यूज क्या करना है और क्या आपके लिए सही रहेगा। अगर मुझसे पूछो ना, तो आज के जमाने में भी मतलब टाइम बहुत बदल गया है, बट फिर भी ना मैं तो अपनी वही रेगुलर वैक्सिंग वगैरह यूज कर रही थी, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि उससे अच्छे से बाल भी निकल जाते हैं, इनग्रोन हेयर भी नहीं रहते और टैनिंग भी ना साथ ही साथ चली जाती है, क्योंकि जब हम वैक्सिंग करते हैं तो लगता है ना हाथ यार बड़े क्लीन क्लीन साफ साफ लगते हैं, तो टैनिंग तो जाती ही जाती है। बट वैक्सिंग के बाद वो जो रेडनेस आ जाती थी, बम्पी स्किन, पिंपल्स हो जाते थे ना, वो मुझे ना हर बार इरिटेट करते थे और मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं इनका। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ होता था, आई एम श्योर ये सबके साथ होता होगा, मोस्टली लोगों के साथ ये होता होगा कि जब वैक्स कर लेते हैं वो बम्पी स्किन आ जाती है, और उसमें क्या होता है ना, आपको कुछ वैसे कपड़े पहनने होते हैं जिसमें आपकी वो स्किन दिख रही हो, तो बड़ा ना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि कैसे वो कपड़े पहने, क्योंकि वो दिख रहा है और दिखता हुआ ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वैक्सिंग के दौरान जो होने वाला टेरिबल पेन है ना, उसको तो बिल्कुल भी हमें भूलना ही नहीं चाहिए। बहुत ही बड़ा मिथ है कि अगर वैक्सिंग नहीं की तो हेयर की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी और टैनिंग परमानेंट हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या, बट सच में ऐसा नहीं होता है। सैड बट ट्रूथ। व्हाट इफ गाइज, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो हेयर रिमूवल के लिए ना बेस्ट है, जिससे आपकी स्किन भी टैन नहीं होती है, आपके बालों की ग्रोथ भी डिस्टर्ब नहीं होती और जो हेयर फ्रीक्वेंसी है ना उसको भी ना कोई फर्क नहीं पड़ता है और इनग्रोन हेयर भी निकल जाते हैं, जिसको ले जाना, कैरी करना, यूज करना बड़ा आसान है। बेसिकली DIY कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में अपने कम्फर्ट जोन में बैठ के आप अपनी बॉडी हेयर को रिमूव कर सकते हो। इजन इट अमेजिंग गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस। ये है न्यूड की एंटी टैनिंग हेयर रिमूवल क्रीम। ये ट्विन पैक में आती है और इससे ना स्किन की नहीं होती है, बर्न नहीं होती है, रैशेस नहीं आती है, रेडनेस नहीं होती है, स्किन के लिए सेफ है और स्मूथ स्किन बनाती है ये। तो आपको ऐसे लग रहा हो कि ये मार्केट में आने वाली नॉर्मल क्रीम ही तो है, इसमें ऐसा खास ही क्या है, वही वाली स्मेल आती होगी, वही काम करेगी, क्या एक्स्ट्रा कर सकती है ये। और हेयर रिमूवल क्रीम है तो स्किन की टैनिंग तो गारंटीड है ही है, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये बिल्कुल वैसी नहीं है, इसकी स्मेल भी ना वैसी नहीं है जैसी टिपिकल हेयर रिमूवल क्रीम से आती है, बड़ी माइल्ड है और टैनिंग तो ये बिल्कुल करती ही नहीं है स्किन के ऊपर, और वो बम्पी स्किन और वो पिंपल्स उन सब का भी कोई टेंशन नहीं है। इस क्रीम के जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वही इसको बाकी क्रीम से ना डिफरेंट और खास बनाते हैं। इसमें ना पाया जाता है गाइस एल्ब्यूटिन और कोजिक एसिड, ये आपकी स्किन पे ना डार्क स्पॉट्स, स्कार्स और हाइपर पिगमेंटेशन को ना टारगेट करता है, विच मीन्स आप जिस बॉडी पार्ट के हेयर रिमूव करोगे ना वहां से फ्रीक्वेंटली टैन भी रिमूव करेगा ये। अगर मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ ना, तो इसके अंदर पपाया एक्सट्रैक्ट भी पाया जाता है और एलोवेरा भी है, विच इज टफ ऑन हेयर एंड स्मूथ ऑन स्किन। तो मैंने आपको बताई थी कि ये वैक्सिंग का बेस्ट ऑल्टरनेट है और उसको लगाने से ना आपको स्किन की टैनिंग भी नहीं होती और दर्द भी नहीं होता है। आप अगर आपको वैक्सिंग करनी है ना, तो आपको ना वेट करना पड़ता है कि फुल ग्रोथ आएगी तभी आप वैक्स कर पाओगे, क्योंकि कुछ छोटे छोटे बाल तो वैक्सिंग में निकल नहीं पाते, बट इसकी मदद से ना आप कभी भी कैसे भी वैक्स कर सकते हो। छोटे छोटे बाल भी होते हैं, अब हमें कहीं जाना है, रेडी होना है, ये कुछ भी है ना, छोटे छोटे बाल भी ना ये अच्छे से ना एकदम डीपली निकाल देती है, वेट नहीं करना पड़ता कि ग्रोथ आएगी हेयर की पूरी, कुछ भी नहीं है। इसको यूज करो, कितनी भी बालों की ग्रोथ हो ना, ये उसको निकालती ही निकालती है। आपको पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ट्विन पैक में आता है, तो आपकी क्रीम ऑक्सीडाइज होकर खराब नहीं होती है। आपको ये बाय करना है ना गाइस, तो फटाफट से ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहां पे दिया है मैंने लिंक, और वैसे तो इसको आप बाय कर सकते हो अमेजोन से भी, फ्लिपकार्ट से भी, बट अगर आप यूज करते हो ना मेरा कोड इनकी वेबसाइट पे, तो आपको मिलता है एडिशनल डिस्काउंट। कोड भी ना मैंने गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही दिया है, वहां से चेक जरूर कर ले। ट्विन पैक के साथ हमें मिल जाता है ये स्पैचुला, जिससे इसका एप्लीकेशन ना बड़ा आसान हो जाता है। वैसे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो पैच टेस्ट करके ना जरूर देख लेना, और कोई भी नया प्रोडक्ट आप यूज करते हो स्किन पे पैच टेस्ट तो बनता है। किसी भी टाइप का कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पैराबेंस नहीं है, GMP ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये। क्वांटिटी है इसकी 100 ग्राम्स, मतलब 50+50, और प्राइस है इसका ओनली 360 रुपीज, बट अगर आप चेक करते हो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो मैंने कोड दिया है आपको, वहां से मिलता है आपको डिस्काउंट इनकी वेबसाइट पे। सो गाइस चेक जरूर कर लेना। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ वेमेन यूज कर सकती है, इसको मेन वेमेन कोई भी यूज कर सकता है, और सिर्फ 5 मिनट का काम है ये, अपने हैंड्स पे लेग से बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। और अगर मेल
इसको यूज कर रहे हैं मतलब मेन, तो वो इसको अपनी चेस्ट पे, बैक पे, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बट हाँ, इंटीमेट एरिया पे आपको इसको यूज नहीं करना है। अगर आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले ना उसको ट्रिम कर लेना, उससे क्या होता है ना बाल निकालने में भी आसानी हो जाती है और आप थोड़ी बहुत हद तक ना क्रीम को भी सेव कर पाओगे। बस इसको आपको अप्लाई करना है, 5 मिनट तक लगाओ, उसके बाद इसको आप गीले कपड़े से साफ भी कर सकते हो और इसको वॉश भी कर सकते हो। सो दिस इज सो सिंपल DIY है विदाउट एनी पेन। और अब तो हो गया गाइस बॉडी हेयर रिमूवल निकाला, इतना ज्यादा आसान है क्रीम की हेल्प से और वो भी विदाउट टैनिंग। और इसके अंदर जो एल्ब्यूटिन और कोजिक एसिड पाए जाते हैं ना, वो हमारी स्किन की लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए ना बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और हमारे स्किन में जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं सबको हटाने के लिए बहुत काम आते हैं। आया तो इसमें पपाया एक्सट्रैक्ट भी जाता है जो हमारी हेयर ग्रोथ को ना स्लो डाउन कर देता है, और एलोवेरा क्या करता है हमारी स्किन को बहुत अच्छा ना सूद कर देता है और हमारी स्किन में बिल्कुल किसी भी टाइप की ना कोई इरिटेशन नहीं होती और हाइड्रेशन भी बना रहता है। देखो वैसे तो मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता ही दिया है, बट फिर भी इफ इन केस अगर आप कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और लिंक दिया है, वहां अगर आप क्लिक करते हो और अपनी बेसिक से डिटेल भरते हो ना, सो इनकी तरफ से ना आपको खुद से फोन आएगा, तो वो आपसे आपकी क्वेरी पूछेंगे और आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे विदाउट एनी हिडन चार्जेस। सो Isn't it amazing guys? So फटाफट से ना चेक कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। सो चलिए चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।